सेकेंड ईयर हमारी वीक 8 के असाइनमेंट ब्लॉक्ड स्क्रीन प्रिंटिंग के असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में हम अपना प्रिंट मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्क्रीन को ब्लॉक कर करके प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये नाशपति मेरी ड्राइंग मैंने वीक 7 में स्टेंसिल्स यूज़ करते हुए प्रिंट कर ली थी, ठीक है। अब मैं इसी इमेज में मैंने फोरग्राउंड ऐड किया और अभी मैं बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जो मैंने अभी प्लान नहीं की। अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मैं स्क्रीन को ब्लॉक कर करके प्रिंट करूँगा। सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग अपनी प्रिंटेड सरफेस पे रखें, उसके ऊपर लेमिनेशन शीट जो आपने स्टेंसिल्स के लिए यूज़ की थी वो पेस्ट करें। आपकी लेमिनेशन शीट और आपकी ड्राइंग शीट दोनों का साइज़ सेम होगा, होना चाहिए भी। उसके बाद दोनों चीज़ों को एजिस के साथ एजिस से आप टेप से पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप मार्क कर लें अपने जहन पे या कहीं पेपर पे नोट डाउन कर लें कि जो एरियाज़ आपने प्रिंट नहीं करने उनको आप ब्लॉक करेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले मुझे अपना ये जो बैकग्राउंड है इसको प्रिंट नहीं करना, मैंने इसको सबसे पहले ब्लॉक करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका प्रिंट वीक 7 में जो ड्राइंग आपने प्रिंट की थी वो ब्लॉक करेंगे आप यूजिंग ब्लैक एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट इसलिए कि वो जल्दी ड्राई होता है और वो स्क्रीन को ब्लॉक करने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। अपनी ड्राइंग लेमिनेशन शीट दोनों पेस्ट करने के बाद अपनी स्क्रीन को अपनी ड्राइंग के ऊपर प्लेस करें। आप देख सकते हैं मैंने वो एरियाज़ एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हुए ब्लॉक कर ली हैं जो मैं दोबारा प्रिंट नहीं करना चाहता और जिनके ऊपर मैं कलर नहीं चाहता। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मैं अपने बैकग्राउंड को अभी प्रिंट नहीं करना चाहता, उसको ब्लॉक मैंने आप देख सकते हैं मैंने उसको ट्रांसपेरेंट टेप से ब्लॉक कर लिया। वो ब्लॉक एक्रेलिक पेंट से इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वॉशेबल नहीं है, वो रिमूवेबल नहीं है। मैंने अभी अपनी बैकग्राउंड में कलर करना है इसीलिए मैंने उसको टेप से ब्लॉक किया, ना कि एक्रेलिक पेंट से। अपने एरिया को एक्रेलिक पेंट से ब्लॉक करने के बाद उसको अच्छी तरह ड्राई होने दें, उसके बाद हम अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे।